हेलो एवरीवन, आई एम टीचर फॉर दिस क्वेश्चन लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ सो द गिवन क्वेश्चन सेज, क्लासीफाइड द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल. सो हमें यहां पर कुछ नंबर्स गिवन है उसको रैशनल और इरेशनल बताना है सो so स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से पहले पार्ट में हमें क्या दे रखा है गिवेन नंबर गिवन नंबर क्या है दैट इज रूट अब रूट ट्वेंटी थ्री की बात करें तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं सिंस ट्वेंटी थ्री इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ट्वेंटी थ्री जो है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हम जानते हैं कि कंडीशन होती है कि एनी नंबर और वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर इज ऑलवेज इेशनल इज ऑलवेज इेशनल यानी कि ऐसे नंबर्स का स्क्वेयर रूट जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो हमेशा क्या होते हैं इेशनल अब क्योंकि 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट ऑफ 23 क्या हो जाएगा इेशनल नंबर सो हियर वी कैन कंक्लूड आवर फर्स्ट पार्ट एंड राइट रूट ऑफ 23 इज एन इेशनल नंबर देन हम बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टू सो नेक्स्ट हमें गिवन है सेकेंड स्क्वायर रूट ऑफ 225, ठीक है सो so, अगर आप देखेंगे यहां स्क्वायर रूट के अंदर 225 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है सो so, 225 ट्वेंटी फाइव इज अफ परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर सो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये क्या होगा रैशनल नंबर होगा So, यहां पर भी मैं कंडीशन लिख लेता हूं स्क्वेर रूट ऑफ एनी नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज परफेक्ट स्क्वेर इज ऑलवेज रैशनल क्या होता है वो हमेशा रैशनल होता है ये ध्यान रखे सो so, ये नंबर जो है वो क्या हो जाएगा रैशनल नंबर हो जाएगा सो हियर वी कैन कंक्लूड सेकेंड पार्ट एंड राइट स्क्वायर रूट ऑफ टू ट्वेंटी फाइव इज आ रैशनल नंबर देन हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की गिवन नंबर क्या है देख लेते एक बार गिवन नंबर है जीरो पॉइंट थ्री सेवन नाइन सिक्स जीरो पॉइंट थ्री सेवन नाइन सिक्स अब देखो ये जो नंबर है ये डेसिमल नंबर है ठीक है तो डेसिमल नंबर के लिए क्या कंडीशन होती है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं रेशनल और रिरेशनल की लिए आ, मैं यहां पे लिखता हूं डेसिमल फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर एनी रैशनल नंबर ज आईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ठीक है सो रैशनल के लिए क्या कंडीशन होती है कि डेसिमल फॉर्म क्या होना चाहिए रैशनल नंबर का या तो टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग मतलब कि वो कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाए यानी रिमाइंडर जीरो आएगा जब हमने उसको डिवाइड किया होगा ऑब्वियसली बात अगर मान लो फ्रैक्शन पार्ट रहा होगा तो उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आ जाए ठीक है तो अगर यहां पर अगर आप ये डेसिमल फॉर्म देखेंगे तो ये एंड हो रहा है मतलब यहां पे डॉट 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 आगे नहीं दे रखा है डॉट 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 अगर आगे दे रखा है मतलब वो कंटिन्यू है आगे और नहीं दे रखा है मतलब कि ये एंड हो गया यहां पे दिस इज फाइनल सो टर्मिनेटिंग है यानी कि अगर एंड है तो वो रैशनल होगा और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या हो गया कि एंड तो नहीं हो रहा है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंड नहीं हो रहा है लेकिन रिकरिंग हो रहा है रिकरिंग मतलब रिपीटिंग यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद राइट right में ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इट कैन बी वन इट कैन बी टू इट कैन बी थ्री डिजिट्स सो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो है वो क्या होते हैं रिपीट होते हैं कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट हो सकते सो दैट इज ऑल्सो अ केस ऑफ रैशनल नंबर ठीक है तो यहां तो हमें दिख रहा है साफ साफ दिस इज टर्मिनेटिंग सो हियर वी कैन राइट दैट जीरो पॉइंट थ्री सेवन नाइन सिक्स इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सो ये क्या हो जाएगा रैशनल नंबर हो जाएगा सो हियर वी कैन कंक्लूड आवर थर्ड पार्ट एंड राइट जीरो पॉइंट थ्री सेवन नाइन सिक्स इज अ रैशनल नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने फोर्थ पार्ट की सो फोर्थ पार्ट में लिखते हैं गिवन नंबर क्या है सो गिवन नंबर है सेवन पॉइंट फोर सेवन एट फोर सेवन एट सेवन पॉइंट फोर सेवन एट फोर सेवन एट डॉट 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 तो अगर आप देखेंगे इसमें ये भी डेसिमल नंबर है लेकिन एट तीन ब्लॉक के डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है देखो फोर सेवन एट फिर फोर सेवन एट अगेन आगे फोर सेवन एट फोर सेवन एट ही आएगा क्योंकि अगर आगे नहीं लिखा है डॉट 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 लिखा है इस, इसका मतलब यही है कि हमें यहां तक चेक करना है क्या रिपीट हो रहे है क्या फोर सेवन एट फोर सेवन एट अगर आया है इट मीनस दिस विल बी रैशनल नंबर सॉरी हां रैशनल नंबर ठीक है जो कौन सा केस हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूं कि सेवन पॉइंट फोर सेवन एट फोर सेवन एट डॉट 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 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेमल नंबर सो ऑब्वियसली बात है दिस विल बी अल नंबर सो वी कैन कंक्लूड अवर फोर्थ पार्ट एंड राइट सेवन पॉइंट फोर सेवन एट फोर सेवन एट डॉट 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 इज अल नंबर देन हम लोग बात करते हैं अपने आखिरी फिफ्थ पार्ट की उसमें क्या कि मैंने देख लेते हैं गिव ए नंबर है अपने पास वन पॉइंट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड देन डॉट 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 वन भी है लास्ट में सो इट इज वन पॉइंट टेन देन हंड्रेड देन टेन थाउजेंड देन वन देन डॉट 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 समथिंग लाइक दिस सो देखो ये भी एक डेसिमल नंबर है ये ना तो रिपीटिंग ना तो टर्मिनेटिंग है क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है डॉट 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 चल रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी नहीं है क्योंकि देखोगे अगर आप डेसिमल पॉइंट के राइट में यहां टेन आ रहा है वन देन वन जीरो तो आ रहा है लेकिन उसके बाद जीरो वन आ रहा है वन जीरो नहीं आ रहा अगर ऐसा होता वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो तो हो जाता रिकरिंग लेकिन वैसा नहीं है वन देन वन जीरो 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 So, ये कौन सा केस हो रहा है वो इर का केस है और वो मैं यहां पे लिख देता हूं कि डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि एंड भी नहीं होगा और नॉन रिकरिंग यानी कि रिपीट भी नहीं होंगे दैट इज दिस केस सो दिस विल बी इेशनल नंबर सो हियर वी कैन कंक्लूड अवर लास्ट पार्ट एंड राइट वन पॉइंट जीरो 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 डॉट इज अज एन इेशनल नंबर सो दिस विल बी आवर आंसर सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस So thank you.